नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जेपी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोविड के इलाज में सबसे महत्वपूर्ण चीज ऑक्सीजन है। अभी तक जो भी रिसर्च हुई है उसमें वेंटिलेटर के उपयोग को लेकर कोई बहुत बड़ी एडवाइजरी जारी नहीं हुई। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं आने देंगे। जेपी हॉस्पिटल का निरीक्षण करते समय उन्होंने कहा कि अगर इलाज में कोई भी लापरवाही या गलती होती है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण कोविड के इलाज में ऑक्सीजन है। अभी तक की जो रिसर्च है उसमें वेंटिलेटर के उपयोग को लेकर कोई बहुत बड़ी एडवाइजरी नहीं है। ऑक्सीजन और हाई ऑक्सीजन फ्लो और ख़ासकर प्री ऑक्सीजन की व्यवस्था से ही उसका इलाज होता है और उसकी सफिशिएंट व्यवस्था है। सर, एक मामला जांच चल रही है, में भी मामला है। उस कर्मचारी ने 162 क्रय आदेश जारी कर दिए बिना सिविल सर्जन की जानकारी के। यदि ऐसा कुछ होगा तो उसको हटा दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया। बस ठीक है, ऑक्सीजन को लेकर पूरे प्रदेश में स्थिति हमारे कंट्रोल में है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर केवल ऑक्सीजन की आपूर्ति और उसके कंजम्पशन को लेकर एक टास्क फोर्स बनी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी चिकित्सा शिक्षा और प्रिंसिपल सेक्रेटरी उद्योग, उनके माध्यम से आपूर्ति और उसके पूरे कंजम्पशन को लेकर व्यवस्था बनी है। रोज की मॉनिटरिंग हो रही है और कहीं भी ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं है, चाहे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की बात हो या एटमॉस्फेयर से बनने वाली ऑक्सीजन की बात हो, सभी जगह सुव्यवस्थित व्यवस्था है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.